ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जनता की समस्याएं और सरकार में फैले भ्रष्टाचार सहित योजनाओं को हो रहे बंदरबांट को लेकर रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के महागठबंधन के विधायकों ने रोहतास जिले के डेहरी स्थित होटल बुद्ध बिहार में एक बैठक रखा। बैठक में महागठबंधन के विधायकों ने भाग लिया, जिनमें डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह, दिनारा विधानसभा से राजद विधायक विजय मंडल, नोखा विधानसभा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अनिता चौधरी, काराकाट विधानसभा से माली विधायक अरुण कुमार सिंह, कैमूर से बबुआ विधानसभा के विधायक भरत बिंद और औरंगाबाद जिले के ओबरा से राजद विधायक ऋषि सिंह उपस्थित थे। इन सभी ने जनता की जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करने की राजनीति रणनीति को लेकर बैठक की, जिसमें किसान से गेहूं और धान की खरीदारी उचित मूल्य पर नहीं करने, जिले में हो रहे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाने, कानून का राज स्थापित करने, जिलों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, किसानों के खेती तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। महागठबंधन के सभी विधायकों ने इन सभी जन समस्याओं को लेकर जनता के सहयोग से सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। तो हमेशा सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो इसको जो यहाँ के लोगों को जो दो पैसा बचना चाहिए वो बाहर के लोग आकर के ले जाते हैं। तो हम लोगों के साथ तो साफ इंसाफ है। अरुण बाबू ने जो चीजों को जिस तरह से विस्तार से बताया कि हम लोगों के साथ वो क्या हो रहा है, दावत के साथ लेकर के और जो बिहारी तक की जो घटना है, ये कलंकित करने वाली घटना है कि अधिकार मिलना चाहिए या आरक्षित है पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, इस पर मजबूत लोग काबिज किए हुए हैं। उसी तरह से दावत में जो घटना घटी वो कानून के साथ मजाक हो रहा है। उसके पिता पुत्र की हत्या हो जाती है और बेटा जाता है थाना में केस करने के लिए, तो बेटा बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके तीन सहयोगियों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। यही न्याय है, यही सुशासन है, ऐसे ही यही कानून का राज चल रहा है। तो कानून के साथ बिहार में मजाक हो रहा है, लूट की सरकार है और पूर्णतः सामंतों के संरक्षण में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हम इन सारे मुद्दों को लेकर के और मजबूती से उठाएंगे। हम चाहेंगे कि नहर में किसानों को पानी मिले, किसानों की धान की खरीद उचित दाम पर हो, गेहूं की खरीद उचित, पुनः जो है इस जाति प्रमाण पत्र का जांच कर लिया जाए कि नामदेव राव साठोनी का जो एड्रेस राजपुतान मोहल्ला दिया गया है वो राजपुतान मोहल्ला में के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगर राजपुतान मोहल्ला के नहीं रहने वाले हैं तो इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके और जाति प्रमाण पत्र में फार्म फोर भरने वाले और जो जाति प्रमाण पत्र का जो कर्मचारी रिपोर्ट किया और जो अंचलाधिकारी जाति प्रमाण पत्र को निर्गत किया, इसको सबको जो है संज्ञान में लेकर के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं उस पर उचित कार्रवाई करें। और इसके बाद ये लोग गए थे लोकायुक्त में, लोकायुक्त जो जांच दिया वो जांच करने को डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। उस समय जो भी पदाधिकारी रहे हो उन्होंने भी जांच रिपोर्ट वही दिया, उन्होंने भी अपने जांच रिपोर्ट में महाराष्ट्र का कोई जिक्र नहीं किया। जांच रिपोर्ट में उन्होंने भी मोहल्ला नामदेव राव साठोनी का मोहल्ला राजपुतान मोहल्ला, अंचल डेहरी, थाना डेहरी, अनुमंडल डेहरी, जिला रोहतास का ही दे करके उन्होंने भेज दिया। इसलिए लोकायुक्त में जो है साक्ष्य के अभाव में मतलब कि मामला को स्थगित कर दिया गया। तो ये है, तो जब तक अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं देंगे तो जो भी गलत अधिकारी देने वाले गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी हैं या आगे भी जो रिपोर्ट अगर मतलब कि सही नहीं आएगा गलत आएगा तो ये बैठक जो हम लोग रखे हैं उसके खिलाफ हम लोग अति पिछड़ा समाज को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जांच कमेटी के पास तो आप बैठे हो तो उसमें क्या आपको लगा? हमें आशा है, हमें आश्वासन मिला है कि हम लोग ईमानदारी से मतलब कि जांच रिपोर्ट देंगे।